सौरभ तो हमेशा एक ही बात बोलता है, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया को अच्छा क्लाइमेट दिया है, अच्छे लोग दिए हैं, पर ढोकला नहीं दिया है। नहीं दिखाई दे रही, बस आती होगी। अब मिष्टी कैसी है? मतलब वो मिष्टी का गोड़ घाना टूट गया था ना, तो मैंने सोचा जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, गलत रिश्ता जोड़ने से अच्छा है कि पहले ही टूट जाए। ये बात आपने एकदम सही कही राजश्री जी। देखिए, हमने अपनी बेटियों को संस्कारी बनाया है, डरपोक नहीं, उन्हें अपना अधिकार लेना सिखाया है। इसलिए जब मिष्टी को लगा कि वो रिश्ता उसके लिए सही नहीं है तो उसने मना कर दिया। लीजिए आगे को। हाय रब्बा, किन्नी सोनी लग रही है। ताई जी आपको याद है उस दिन भी सीढ़ियों से ऐसे ही नीचे उतर के आ रही थी जब मीनाक्षी जी ने लास्ट मोमेंट पे रिश्ता बदल दिया था। जसमीत, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन आपको तो पता है कि हमारे घर पे रिश्ते के नाम पे ड्रामे बड़े हो जाते हैं। चुप कर। जय श्री कृष्ण विशंबर जी। बिना बुलाए बिना बताए ऐसे आने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। राधे कृष्ण यशपाल जी, सब ठीक तो है? जी नहीं, कुछ ठीक नहीं है, पर मैं ठीक करने आया हूं। एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, एक आप बढ़ा दीजिए, बल्कि मैं दो कदम आ जाऊंगा, बस आप पीछे मत हटिएगा। हम समझे नहीं? मैं समझाता हूं, हमारे दोनों परिवार पर बहुत कुछ बीत चुका है, लेकिन याद कीजिए बात शुरू कहां से हुई थी। रिश्ते से? किसके रिश्ते से? कुहू और कुणाल के। उस रिश्ते की बात हम सबके मन में आई इसलिए थी क्योंकि मन में सब मानते थे कि कुहू और कुणाल परफेक्ट रिश्ता है, लेकिन हमने गलती की, मिष्टी के लिए रिश्ता मांगा, फिर मिष्टी ने शादी से पहले मेल मिलाप की मांग की। इसमें सबको समझ आया कि कुणाल और मिष्टी का रिश्ता सही नहीं था, रिश्ता वही सही था जो सबसे पहले किया गया था। रिश्ता सही होगा, लेकिन अब वक्त सही नहीं है, हम कुहू का रिश्ता कहीं और तय करने वाले हैं। करने वाले हैं, किया तो नहीं है ना? देखिए, जो भी गलती हुई मेरी बेटी से, और बेटी की जिद के सामने बाप मजबूर हो जाता है, ये तो आप भी समझते होंगे, लेकिन मेरी बेटी की गलती की सजा अपनी बेटी को मत देना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुहू के लिए कुणाल से अच्छा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और आज मैं आपकी कुहू के लिए अपने पोते कुणाल का रिश्ता लेकर आया। रिश्तों के बीच में आने वाले हम कौन होते हैं? आखिर ये रिश्ते हैं प्यार के। साथ
जय श्री कृष्ण। मैं जानता हूं ये सिचुएशन आपके लिए कितनी ऑकवर्ड है। आपके लिए क्या ये किसी भी फैमिली के लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, लेकिन हम यहां आपका रिश्ता तोड़ने नहीं है बल्कि हमारा टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने आए। नानू और मैं ये बात समझ चुके हैं कि कुहू और कुणाल की खुशियां एक साथ हैं, लेकिन फिर भी हम आप सबसे इस सब के लिए माफी मांगना चाहेंगे। चौहान साहब हमारे दोस्त हैं, इसलिए उनसे बात भी हम करेंगे और माफी भी हम ही मांगेंगे। हमने कोई तमाशा नहीं किया है, लेकिन तमाशा हुआ तो हमारे ही घर में है। हमें लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। बैठिए। इस रिश्ते के बारे में आज तक हम सभी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन उससे कभी बात नहीं की जिसके लिए रिश्ता आया है। बेटा आपके मन में क्या है? दादू मैं क्या बताऊं, जब कुणाल को पहली बार देखा था तभी से वो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर उसका रिश्ता आया तो और भी अच्छा लगा, फिर उसका रिश्ता मिष्टी से बदल गया और फिर किसी ने कुहू से नहीं पूछा कि उसे कैसा लगा। सब बस इस बात को लेकर खुश थे कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं गया। कई बार लड़का लड़की भूल जाते हैं, एक रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं तो फैमिलीज के बीच भी होता है, और कई बार दो फैमिलीज भूल जाती हैं कि एक रिश्ता सिर्फ दो फैमिलीज के बीच नहीं दो लोगों के बीच भी होता है, और ये रिश्ता कुणाल और कुहू के बीच था। लेकिन कुहू तब तो तूने कोई रोना धोना नहीं किया। कैसे करती चाची, एक लड़की को बचपन से यही सिखाया जाता है कि उसके सपने उसकी इच्छा कोई मायने नहीं रखती, पर कुहू ने भी यही किया। उसने अपनी फैमिली की खुशी के लिए बस ऐसे प्रिटेंड किया कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इसे फर्क पड़ा था, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था इसे। बाहर वाले तो क्या, घर वाले भी ये गेस नहीं कर सकते थे कि कुहू इमोशनली कितनी स्ट्रांग है। अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहन के लिए अपने इमोशंस को दिल में ही दबा कर रखा। ऑफिस में वो फोटोग्राफ्स नहीं दिखा रहे थे और अभी पेंटिंग नहीं दिखा रहे हो, बात क्या है, दिखाओ मुझे। नहीं मिस्टी, मैं नहीं दिखा सकता। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा इसके साथ बहुत गहरा रिश्ता है। जब तक अंकु की लाइफ सेट नहीं हो जाएगी ना, मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा। कुणाल, क्या आप कुहू को पसंद करते हैं? कुहू को पसंद करते हैं? कुणाल, हम दोनों में कोई मेल नहीं है, इसलिए मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ। भाई मिस्टी को लाइक करते हैं माँ। जो कुछ भी हुआ उसमें हम जिम्मेदार नहीं है। मिष्टी मेरे फैमिली को तोड़ना चाहती है और ये मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। जी अंकल, जो मेरे भाई कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं भी अपने भाई के लिए वही करता जो कुहू ने मिष्टी के लिए किया। आई अंडरस्टैंड कि ये रिश्ता बदलने से कितनी कॉम्प्लिकेशंस आई है, बट हम यहाँ पे सब सही करने आए। और मीनाक्षी जी, उनका क्या कहना है इस बारे में? हुई, आपकी दवाई। अरे बेटा, तुम मेरे लिए दवाई लेकर आई? पारुल कहाँ है? वो मासी किचन में बिजी है ना, तो उन्होंने ही कहा था। थैंक यू बच्चे। आ! आ, क्या हुआ बेनबा? क्या हुआ आपको लगी? नहीं पारुल, मुझे लगा कि हमारा रिश्ता कमजोर पड़ रहा है, पर मेरी एक चीख सुनकर आप दौड़ी चली आई। अब मैं आश्वस्त हो गई कि आप मुझसे नाराज भले ही हैं, गुस्से में हैं, पर आपके गुस्से का कद हमारे
रिश्ते से बहुत छोटा है ना पारुल? आप ही बताइए कि क्या मैं उस कुहू का रिश्ता अपने बेटे कुणाल से कर दूं? मेरे कहने सुनने से किसे फर्क पड़ता है बिंबा? मुझे फर्क पड़ता है पारुल, बताइए आप क्या चाहती हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि श्वेता कुणाल का पीछा छोड़ दे। पारुल, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि फिलहाल आप मुझ पर यकीन रखिए। मीनाक्षी जी ये रिश्ता नहीं चाहते है ना? सर, हम जानते हैं कि कुणाल का यहाँ पे गोड़धाना टूटा था, लेकिन क्या एक बुरी याद हमारे फ्यूचर के सारे डिसीजंस को ओवरशैडो कर लेगी? आपकी बात बिल्कुल सही है आदिर, लेकिन जब कुहू की शादी कुणाल के साथ होगी तो वो सिर्फ कुणाल की पत्नी नहीं बनेगी, मीनाक्षी जी की बहू भी बनेगी। वो मीनाक्षी जी जो एक बार हमारी कुहू को रिजेक्ट कर चुकी है, वो जो हमारी परिवार की बार बार बेइज्जती कर चुकी है, वो मीनाक्षी जी जो हमसे नफरत करती हैं। लेकिन जब मीनाक्षी जी कुणाल से पूछेंगी कि उसे कुहू या मीनाक्षी जी में से किसी एक को चुनना होगा, तब आप क्या कहेंगे कुणाल? आप ही बताइए यशपाल जी, अगर आप हमारी जगह होते तो क्या फैसला करते? सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कुहू की सास जरूर होंगी, लेकिन एक औरत जब सास बनती है तो वो एक माँ भी होती है, और वो कभी कुणाल की खुशियों के रास्ते में नहीं आएंगी, क्योंकि वो कुणाल से बहुत ज्यादा प्यार करती, मुझसे भी ज्यादा प्यार करती। कम ऑन भाई, माँ सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है, सबको पता है। इस बारे में बाद में बहस करेंगे। वैसे ये हमारे मीनू का मुन्ना है, और माँ ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जिससे इसका दिल दुखे। हम आप सबकी बातों का मान रखते हैं, आप जितना तो नहीं, लेकिन मीनाक्षी जी को हम भी जानते हैं। देखिए, ये बात कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इसे नहीं खत्म कर देते हैं, नहीं खत्म कर देते हैं। बात तो पूरी जरूर होगी, मैं खुद अपनी माँ को लेके यहाँ हूँ, मेरा वादा है आपसे। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे केटो। हाँ पापा। पापा, अतुल भाई कहाँ है? अरे जावा देने, मारे मम्मी छे ने, उन्होंने बोला था कि बस आते हुए बातें, जाते हुए बातें, मैके में बातें, ससुराल में बातें, कभी तो अपनी जुबान को आराम दे दिया करो मारी वाली, मारी बेली। पर पापा है कहाँ? थैंक यू। हाँ, थैंक यू थैंक यू। सोते क्यों? पता नहीं, शायद फूई और मासी के बीच कुछ हुआ है, असल दवाई भी मेरे हाथ से भिजवाई। अरे मारा मारी रे। अरे मीनू बहन, जय श्री कृष्ण। मीनू बहन खुश रहो, खुश रहो। जय श्री कृष्ण बहन। आपके लिए स्पेशली मम्मी जी को बोल के शुगर फ्री के लड्डू बनवाए हैं मैंने। थैंक यू सो मच, मम्मी से कह देना मैं इसे बाद में खा लूंगी, मुझे एक जरूरी काम से निकलना है। जय श्री कृष्ण। तू मेरे साथ विशंबर जी के यहां चलेगी मीनू?
और उनसे कहेगी कि तुझे कू और कुणाल के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। जसप्रीत, क्या तुम दोनों को मालूम था कि वो लोग यहाँ कुहू का हाथ मांगने आ रहे हैं? नहीं पापा, हमें कोई आइडिया नहीं था। तुम इतने बड़े बड़े झूठ बोल चुकी हो ना कि तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा करने का मन नहीं हो रहा है। जब इस घर में सच की कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम झूठ ना बोले तो और क्या करें? कुणाल ने आके सच कहा, क्या हुआ? उसे इंसल्ट करके वापस भेज दिया गया। जो दिन मेरी लाइफ का बेस्ट डे हो सकता था वो वर्स्ट डे बन गया सिर्फ सच की वजह से। हैशटैग आई हेट सच। मिश्री, तुमने तो कुणाल को रिजेक्ट किया था, राइट? जो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं था वो कुहू के लिए परफेक्ट कैसे हो सकता? कुहू बेटा, तुझे ये कुणाल का चैप्टर ना बंद करना होगा। पापा, कुणाल कोई हिस्ट्री बुक का चैप्टर नहीं, ये बुक बंद और चैप्टर खत्म। मैं ये नहीं कर सकती। I'm sorry पापा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे लिए भी नहीं। मेरे बेटे मेरी खुशी के लिए कुछ करें या ना करें, पर मैं अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ करूंगी। कुणाल, तुम कुहू से प्रेम करते हो ना, उससे शादी करना चाहते हो तो करो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। जिस तरह से मुझे मेरे बेटे की खुशी प्यारी है, उसी तरह मुझे मेरा आत्मसम्मान भी प्यारा है। कुणाल, तुम्हारी खुशी के आड़े मैं नहीं आऊंगी, लेकिन मैं उनकी चौखट पर जाकर अपनी नाक नहीं रगड़ूंगी। जब कुहू ने मुझे कुणाल के बारे में बताया था तब मेरा भी सेम रिएक्शन था जैसा आप लोगों का है। लेकिन जब मैंने इन दोनों को साथ में देखा तब मुझे पता चला कि कुणाल गलत लड़का नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए गलत था। वो कुणाल जिसे मेरी कोई बात पसंद नहीं थी, उसे कुहू की हर बात पसंद है। वो जैसी है उसे बिल्कुल वैसी ही एक्सेप्ट करने को तैयार है। वो जब भी बुलाती है तो वो अर्जेंट से अर्जेंट काम छोड़ के आ जाता है उसे मिलने। उसकी हर जिद को मानता है वो अंकल। कुणाल ने मेरे लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अंकल उसने कुहू के लिए अपने मॉम से लड़ाई की। अपनी मॉम के अगेंस्ट जाके वो यहाँ पे आया, जस्ट फॉर हर। मेरी ना पसंद करने से वो गलत लड़का नहीं हो गया, वो कभी गलत नहीं था। ही इज परफेक्ट फॉर कुहू अंकल। कुणाल, तुम्हें मेरे कई सवालों के जवाब देने हैं। कैसे सवाल माँ? मैं तो एग्जैक्टली वैसे कर रहा हूँ जैसे आपने कहा था। आप ही ने कहा था ना माँ कि भाई को ऐसा फील कराओ कि अगर कुहू की शादी कहीं और हो गई तो मुझे बुरा लगेगा। आप ही ने कहा था ना माँ कि भाई के साथ उसके घर जाऊँ? क्या मैंने तुमसे कहा था कि अबीर जब माइंड गेम खेले तो तुम कुहू का नाम बोलो? क्या मैंने तुमसे कहा था कि पब में जाकर तुम उस कुहू के साथ गाना गाओ? तुम मेरे कहे पर चल रहे हो या तुम मुझे चला रहे हो, इस बात का मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें मेरे सर की कसम कुणाल, मेरे सर की कसम खाकर बोलो कि क्या तुम सच में उस कुहू से प्रेम करते हो? क्या तुम्हारे दिल में कुहू के लिए कोई फीलिंग्स है? खाओ अपनी माँ की कसम। Yeah, it's
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।